गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4, द मुगल एम्पायर। वी लर्न फ्रॉम द प्रीवियस क्लास द दिल्ली सुल्तानेट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग्स और किंगडम्स ऑफ दिल्ली सुल्तानेट पीरियड। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मुगल एम्पायर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन योर हिस्ट्री सिलेबस। सबसे फास्ट लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग आउटकम्स में देखो द ग्रेट मुगल्स का बारे में बताया गया है, जिसमें बाबर है, हुमायूं है एंड सम ऑफ देयर अचीवमेंट्स। कौन कौन सा मुगल किंग्स था जिसका इम्पोर्टेंट सिटी का बारे में बताया गया है, जो जिसका एक इम्पोर्टेंट रोल है हिस्टोरिकल इवेंट्स में। बाबर से हुमायूं से एंड सम ऑफ देयर अचीवमेंट्स। शेर शाह सूरी, देन उसके बाद शेर शाह सूरी एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस। शेर शाह सूरी एंड उसका कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है हिस्ट्री में, उसका जगह बताया गया है। देन उसके बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब एंड देयर रीजियंस। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब एंड देयर रीजियंस, ये अलग अलग मुगल एम्पायर के बारे में बताया गया है और उसका जो एरिया है उसका जगह बताया गया है। देन इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मुगल जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स है उसका इम्पॉर्टेंट फीचर्स में क्या क्या है। मुगल एम्पायर आफ्टर द ग्रेट मुगल्स, मुगल एम्पायर में कौन कौन सा मुगल सबसे मतलब ग्रेट पोजिशन में है। देन उसके बाद अकबर का इम्पॉर्टेंट सिटी क्या है उसका बारे में बताया गया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में देखो क्या बताया गया है। द मुगल एम्पायर एज वी रीड इन द प्रीवियस चैप्टर वॉज फाउंडेड बाय बाबर। तुम लोग प्रीवियस चैप्टर में, पहले चैप्टर में, चैप्टर थर्ड में पढ़े हो कि मुगल एम्पायर जो है उसका फाउंडर कौन किया था, बाबर। बाबर जो है मुगल एम्पायर का फाउंडर है। देन बाबर सेट अप द एम्पायर आफ्टर ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। बाबर जो है लोदी डायनेस्टी का, दिल्ली सुल्तानेट पीरियड में लोदी डायनेस्टी जो लास्ट डायनेस्टी है, जो लोदी डायनेस्टी का सबसे एक इम्पॉर्टेंट किंग इब्राहिम लोदी को डिफीटेड, उसको हरा के उसका मतलब उसका साथ वार हुआ था बाबर का, जिस वार का नाम है बैटल ऑफ पानीपत। बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, याद रखो बैटल ऑफ पानीपत, बुक में अंडरलाइन करके रखो ये जगह। 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी का हार हो गया था। बाबर जो है वो दिल्ली में मुगल एम्पायर का स्टार्ट किया, एस्टेब्लिश किया। द मुगल रूल्स मैनेज टू क्रिएट ए वास्ट एम्पायर एंड रिमाइंड इन पावर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मुगल रूल जो है, मुगल रेगुलेशंस जो है उसका क्रिएट किया गया और मुगल एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट होने में एक लॉन्ग टाइम तक उसका मतलब जो मुगल डायनेस्टी है वो उसका टाइमिंग पीरियड देखा गया। द फर्स्ट सिक्स मुगल किंग आर ऑफन रेफर्ड टू एज द ग्रेट मुगल। द फर्स्ट सिक्स, सबसे पहले का सिक्स मुगल किंग को बोला जाता है ग्रेट मुगल्स का मतलब रेफरेंस दिया गया। फर्स्ट सिक्स ये जगह याद रखो, फर्स्ट सिक्स मुगल्स किंग को मुगल एम्पायर का रेफरेंस दिया गया, उसको सबसे ज़्यादा महान माना गया। द टर्म मुगल्स कम फ्रॉम द टर्म मंगोल, मुगल जो टर्म है मुगल, MUGHAL, मुगल कम्स फ्रॉम द टर्म मंगल। मुगल्स जो वर्ड है वो कहाँ से आया, कौन सा टर्म से आया ना, मंगल से। मंगल एक टर्म है जिससे मुगल्स का स्टार्टिंग हुआ। द मुगल्स वेर डिसेंडेंट ऑफ चेंगिस खान। चेंगिस खान हिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है उसका, उस चेंगिस खान का जो फैमिली है वहाँ से अराइव किया इंडिया में मुगल डायनेस्टी। मुगल एम्पायर का कहाँ से स्टार्ट हुआ, चेंगिस खान जो है हिस्ट्री में जिसका एक इम्पोर्टेंट रोल है, चेंगिस खान का जो फैमिली है, फैमिली से मुगल एम्पायर का अराइविंग। रूलर ऑफ द मंगल ट्राइब्स ऑफ चाइना एंड सेंट्रल एशिया
ऑन देयर मदर्स साइड। चाइना और सेंट्रल एशिया जो है उस जगह से मुगल जो है ट्राइब का रूलिंग स्टार्ट हुआ। एंड दे वेर डिसेंडेंट्स ऑफ तैमूर रूलर ऑफ ईरान। ईरान में जो है उसका जो मतलब फैमिली बैकग्राउंड में देखो उसका पेरेंट्स का बैकग्राउंड क्या है, वो यहाँ पर चंगेज खान जो है उसका फैमिली से अराइव किया मंगल बाबर जो है, और उसका मादर साइड से कौन मतलब कहाँ से आया, तैमूर जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट हुन डायनेस्टी है जहाँ से उसका माँ मतलब जो उसका मदर्स फैमिली से रिलेटेड था। रूलर ऑफ ईरान जो चंगी यहाँ पर तैमूर जो फैमिली है वो ईरान का रूलर था। इराक ईरान और मॉडर्न डे तुर्की फ्रॉम देयर फादर्स साइड। मॉडर्न डे में अभी का टाइमिंग मतलब उस टाइमिंग में तुर्की नाम से जिसको जाना जाता है वो उसका फादर साइड है। किसका, बाबर का। अब बाबर का जगह आ रहा है देखो, बाबर 1526 टू 1530। इसका टाइमिंग पीरियड बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ फोर ईयर का टाइमिंग पीरियड है 1526 टू 1530। देखो जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर वाज द रूलर ऑफ फरगाना। फरगाना एक पर्टिकुलरली प्लेस है जो है ए स्मॉल प्रोविंस इन सेंट्रल एशिया। ए स्मॉल प्रोविंस सेंट्रल एशिया का एक इम्पॉर्टेंट जगह है फरगाना। फरगाना जहाँ का रूलर कौन था, जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का फुल नेम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ये जगह याद रखो। बाबर का फुल नेम जो है वो है जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये जगह तुम लोग नोट डाउन कर लो पढ़ाने का टाइमिंग में। ही केम टू थ्रोन आफ्टर हिज फादर्स डेथ व्हेन ही वॉज जस्ट 12 ईयर ओल्ड। जिस टाइमिंग में उसका फादर्स का डेथ हुआ था उस टाइमिंग में उसका एज कितना था, 12 ईयर। ही वॉज सॉन ड्राइव्ड आउट फ्रॉम हिज किंगडम बाय द उज्बेक्स अनदर मंगल ट्राइब। देखो उसका जो सॉन था ठीक, वो मतलब उसी टाइमिंग में क्या किया था, वो अनदर जो मंगल ट्राइब है उसका साथ उसका वार हुआ था। ही कैप्चर्ड काबुल, वो काबुल को कैप्चर कर लिया इन 1504 में एंड बिगेन टू मूव टुवर्ड्स इंडिया। और काबुल को कैप्चर करने के बाद इंडिया का अलग अलग जगह का बारे में वो सोचने लगा, किस तरह से टोटल इंडिया को ऑल इंडिया को कैप्चर किया जा सके। इन द बिगिनिंग ही कॉन्सेंट्रेटेड ऑन गेटिंग कंट्रोल ऑफ द अफगान पीपल ऑफ द एरिया। स्टार्टिंग का टाइमिंग में उसका वो क्या किया था देखो, कंट्रोल किया था अफगान पीपल ऑफ द एरिया, उस एरिया का जो अफगान फैमिली है अफगान पीपल है उसको उस जगह से वो कंट्रोल किया था। ही गेन कंट्रोल ऑफ पंजाब फ्रॉम दौलत खान। ही गेन कंट्रोल ऑफ पंजाब, पंजाब का जो है दौलत खान उसको देखो वो मतलब कंट्रोल कर लिया, मींस कैप्चर कर लिया। देन द गवर्नर ऑफ 1526 ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत एंड ऑक्यूपाइड दिल्ली एंड आगरा। उसके बाद क्या किया बाबर, उसके बाद इम्पोर्टेंट जो इसका रोल है, उसके बाद वो दिल्ली को कैप्चर कर लिया, इब्राहिम लोदी को वॉर में हरा दिया और दिल्ली और आगरा को कैप्चर कर लिया। बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, पानीपत का जो वार हुआ था उसमें वो दिल्ली को कैप्चर कर लिया था। ये जगह क्लियर हो गया। देन उसके बाद देखो, इन 1527 ही डिफेटेड द राजपूत रूलर राणा संघ ऑफ मेवाड़। 1527 में उसके बाद वो और भी बहुत सारा किंग को हरा दिया वार में, कौन था, राणा संघ, मेवाड़ का जो राजा था, मेवाड़ का राजा क्या नाम था, राणा संघ एंड हिज एलाइज एट द खानुआ। जिस वार को, जिस पर्टिकुलरली प्लेस को खानुआ बोला जाता है, वार का नाम है खानुआ वार, 1527 में हुआ था फर्स्ट वार। देखो 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ, 1527 में खानुआ वार हुआ। इन 1528 ही डिफीटेड द राजपूत एट चांदेरी
एंड 1529 ही डिफीटेड द अफगान चीफ अंडर महमूद लोदी एट घगरा। वो देखो 1520 बहुत सारा वार में बाबर जीतते हुए आए। 1528 में वो डिफीटेड कर दिया राजपूत किंग का नाम क्या था, चांदरी को। और 1529 में अफगान चीफ जो था महमूद लोदी उसको घाघरा का वार में हरा दिया। विद दिस विक्ट्रीज बाबर गेन्ड कंट्रोल ओवर मेनी रीजन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। धीरे धीरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का बहुत सारा एरिया को जगह को बाबर कैप्चर करते हुए आ रहा था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। बाबर वॉज मॉडरेट इन हीज रिलीजियस अफेक्ट। उसका जो रिलीजियस परसेप्शन था, रिलीजियस अफेक्टिवनेस था, वहाँ पर बाबर का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। द डिफीटेड रूलर्स वेर यूजली एलोएड टू गवर्न देयर टेरिटोरीज इफ दे एक्सेप्टेड हिज ऑथोरिटी। जो जो रूलर मतलब हार जा रहा था उसको बार मतलब जगह में, वो बाबर क्या करता था उसको उस जगह का गवर्नमेंट बना देता था उसका एरिया में। बाबर होल्ड ओवर काबुल एंड कंदहार हेल्ड। हिज सक्सेसर कीप्ड इंडिया सेफ फ्रॉम इन्वेंशन फॉर द नेक्स्ट 200 ईयर्स। काबुल और कंदहार दो इम्पॉर्टेंट प्लेस है, ये दो जगह एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है इंडिया का, जो अभी इंडिया में नहीं है लेकिन उस टाइमिंग में इंडिया का लोकेशनल पार्ट में ये जगह कैप्चरेबल था। फॉरेन ट्रेड ऑल्सो बिकेम स्ट्रॉन्गर बिकॉज ऑफ द इंक्लूशन ऑफ दिस रीजन्स इन टू द न्यू एम्पायर। बाबर का जो फॉरेन ट्रेड था वो भी एक इम्पॉर्टेंट जगह में है। क्या करता था वो न्यू जो एम्पायर है उस एम्पायर का साथ उस जगह का मतलब डिसाइड करता था फॉरेन का ट्रेड का बारे में। बाबर डाइड इन 1530 आफ्टर ए शॉर्ट इलनेस। बाबर का डेथ हो गया कि कौन सा टाइमिंग में, 1530 में। 1530 में बाबर का डेथ हो गया एक शॉर्ट इलनेस, एक छोटा सा इलनेस का वजह से। मतलब उसका एक हिस्ट्री भी है इधर, वो जगह मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बाबर का डेथ हो गया था एक इलनेस का वजह से। बहुत ही कम टाइम वो मतलब सिंहासन में था मुगल का। ही वॉज बुरीड इन आगरा बट हिज बॉडी वॉज लेटर टेकन टू काबुल एंड रिबर्ड देयर इन ए ओपन गार्डन एज द पर हिज विशेस। एक खुला मैदान में ओपन गार्डन में वो प्रे करते करते वहाँ पर उसका डेथ हो गया। ही गेट ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट बाबर रीजियंस फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी। बाबर का टाइमिंग का बहुत सारा मतलब एलिमेंट्स हम लोग को पता चला है। किससे पता चला है, उसका जो ऑटोबायोग्राफी, क्या नाम है उसका नाम, तुजुक ई बाबरी और बाबरनामा नाम से भी वो फेमस है। तुजुक ई बाबरी और बाबरनामा व्हिच वाज रिटन इन चगाती तुर्कीस। जो कौन लिखा था, चगाती तुर्कीस जो है वो उसका द्वारा वो लिखा गया था। ही वॉज एन एडुकेटेड सेंट्रल एशियन तुर्की मुस्लिम। वो जो है सेंट्रल एशिया का तुर्की मुस्लिम में से एडुकेटेड पार्ट है। ही वॉज एन एडुकेटेड सेंट्रल एशियन तुर्की मुस्लिम। हिज ऑब्जर्वेशंस एंड कॉमेंट्स इन हीज मेमोरीज रिफ्लेक्ट एंड इंटरेस्ट इन नेचर सोसाइटी पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ दिस टाइम। उसका जो इम्पैक्ट था, रोल था, उसका बारे में वहाँ से पता चला है उस टाइमिंग का सोसाइटीज कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेचुरल फेनोमेना किस टाइप से डेवलप हो रहा था। देन बाबर का बाद आ रहा है हुमायूं। हुमायूं इज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट मुगल एम्पायर। उसका इम्पॉर्टेंस सिटी क्या क्या है हुमायूं का, देखो बाबर वॉज सक्सेस्ड बाई हिज एल्डेस्ट सॉन। बाबर का बाद उसका डेथ होने के बाद उसका जो सॉन है वो सिंहासन में आया। नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, हुमायूं का फुल नेम, जैसे कि बाबर का फुल नेम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर,
बाबर का फुल नेम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उसी तरह से हुमायूं का फुल नेम जो है वो क्या था? नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं फेस्ड प्रॉब्लम्स ऑफ कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशंस, फिनांस एंड अफगान थ्रेट्स व्हेन ही केम टू द थ्रोन। हुमायूं क्या किया, बहुत सारे प्रॉब्लम का सम्मुखीन होने पड़ा। किसको? हुमायूं को। उसमें क्या क्या है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अफगान थ्रीट्स, अफगान का जो मतलब वार, अफगान का साथ वार करने का प्रॉब्लम है, और भी बहुत सारा पॉलिटिकल प्रॉब्लम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम का सम्मुखीन होने पड़ा हुमायूं को। किसको? नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। एज पर द विल ऑफ हिज फादर एंड तिमुरिड ट्रेडिशंस, वो उसका जो फादर्स का मतलब ट्रेडिशन था उसको फॉलो करते गया। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड बिटवीन हिम एंड हिज थ्री ब्रदर्स कामरान, अस्करी एंड हिंदाल। तो हुमायूं का थ्री ब्रदर्स का नाम क्या क्या था? कामरान, अस्करी और हिंदाल। हु वर गिवन provinces of their own, but his arrangement did not satisfy of much. लेकिन वो अपना जो perception मतलब सिंहासन को वो तीनों भाई में divided करने के बाद उसका जो सिंहासन है area है उसको arrange नहीं किया जाता था, उसका कोई perceptional development नहीं हो रहा था। He also faced threat from Bahadur Shah, the ruler of Gujarat, एंड शेर शाह सूरी द रूलर ऑफ बिहार एंड बंगाल। उसको सम्मुखीन मतलब उसको साथ वार करने पड़ा। किसका किसका साथ उसका वार हुआ? बहादुर शाह जो गुजरात का रूलर था, और सेकेंड शेर शाह सूरी जो बिहार का और बंगाल का रूलर था। शेर शाह सूरी और बहादुर शाह, ये दोनों का साथ उसका एक प्रॉब्लमेटिक मतलब सिचुएशन का में वो इन्वॉल्व हुआ। शेर शाह सूरी डिफीटेड हुमायूं एट चौसा इन 1539 एंड कनौज इन 1540। शेर शाह सूरी हार गया था शेर शाह सूरी का पास हार गया था हुमायूं। कौन सा वार में? चौसा वार में, जो चौसा का वार हुआ था 1539 में, और कनौज का जो वार हुआ था 1540 में। तो जो जिस टाइमिंग में जो वार हो रहा था, इस टाइमिंग पीरियड को याद रखो। After this defeated, Humayun was forced to leave India and fled to the Safavid court in Persia. उसके बाद वो इंडिया छोड़ के पारसिया में चला गया, सफेविड कोर्ट में, मॉडर्न डे ईरान, जो अभी ईरान का जगह है। उस टाइमिंग में पारसिया मतलब अभी ईरान। Here Shah Thams, the Safavid ruler, offered him the shelter. वहाँ पर शाह थाम था एक स्लेबेड रूलर जो उसको ऑफर्ड किया था। आफ्टर द एग्जिस्ट ऑफ 15 ईयर्स हुमायूं रिगेट कंट्रोल ऑफ हिज इंडियन एम्पायर विद द हेल्प ऑफ द शाह। उसके बाद इंडियन एम्पायर जो है शेर शाह उसका साथ उसका फिर से वार हुआ। हाउएवर ही डाइड सून आफ्टर इन 1556 व्हेन ही फॉल डाउन द स्टेडीज इन हिज लिबर्टी लाइब्रेरी एंड से मंडल। उसके बाद उसका क्या हुआ? उस वार में हार हो गया, उसका डेथ हो गया। किसका? हुमायूं का। हुमायूं का बारे में हम लोग को कहाँ से पता चलता है? हुमायूं नामा एक इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है हुमायूं नामा, जहाँ से हुमायूं का बारे में पता चलता है। ए बायोग्राफी ऑफ हुमायूं, जो बुक में हुमायूं का बायोग्राफी लिखा गया है, रिटन बाय हिज सिस्टर, जो उसका सिस्टर लिखा था। क्या नाम है उसका? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम है हुमायूं का सिस्टर, जो हुमायूं का एक बायोग्राफी लिखा था। गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट हुमायूं एंड हिज रीजियन, जहाँ से हुमायूं का बारे में और उसका जो रीजियन एरिया है उसका बारे में पता चला है। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन किया गया है उस हुमायूं नामा बुक से, जो हुमायूं का सिस्टर गुलबदन बेगम ने लिखा है।
देन उसके बाद आ रहा है शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी 1542 1545 1542 1545। शेर खान मोर पॉपुलरली नोन एज द शेर शाह सूरी, शेर खान जो था उसी को मतलब जाना जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम से, जिसका नाम है शेर शाह सूरी का नाम से जाना जाता है। शेर खान का एक इंपॉर्टेंट नाम है शेर शाह सूरी, नाम से शेर खान को जाना जाता है और शेर शाह को जाना जाता है। क्लियर। फाउंडेड द सूर डायनेस्टी, जो सूर डायनेस्टी है सूर डायनेस्टी का फाउंडर था। इन 1514 आफ्टर हिज विक्ट्री ओवर हुमायूं, 1514 में उसका साथ हुमायूं का वार हुआ था, द सूर्स वेर द सेकेंड अफगान किंगडम इन इंडिया। सूर मीन शेर शाह सूरी जो है वो इंडिया का सेकेंड अफगान किंगडम था। शेर शाह सूरी एस्टेब्लिश्ड हिज कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया एक्सक्लूसिंग कश्मीर, शेर शाह सूरी नॉर्थ इंडियन पार्ट को कैप्चर कर लिया, कहाँ से कहाँ तक, कश्मीर तक। ही एलिमिनेटेड द राजपूत हु वुड नॉट एक्सेप्ट हिज अथॉरिटी बट मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस विद दिस द डैड, राजपूत जो उसको सपोर्ट नहीं करता था, उसका जो रूल को नहीं मतलब फॉलो नहीं करता था, उसका साथ वो फ्रेंडली रिलेशनशिप बना लिया, कौन, शेर शाह सूरी। उसके बाद देखो शेर शाह सूरी वॉज नॉट ओनली ए ग्रेट मिलिटरी लीडर्स बट ऑल्सो एन इफिशियंट एंड द एडमिनिस्ट्रेटर, शेर शाह सूरी जो है सिर्फ एक मिलिटरी लीडर ही नहीं, वो उसके साथ साथ एक ग्रेट मतलब एडमिनिस्ट्रेटर भी है। एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स जो एक इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन का एस्टेब्लिशमेंट करता है। ही मेंटेन कंप्लीट कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेट अप ए सिस्टम्स ऑफ पीस, एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने का साथ साथ उसका जो सिस्टम है वो भी बहुत ही तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा था। ही इंट्रोड्यूस स्ट्रीट रूलर्स, उसका वो मतलब स्ट्रीट रूलर्स का नाम से भी जाना जाता था, एट कोर्ट ऑफ स्ट्रेगन इज अथॉरिटी, उसका जो एरिया था वहाँ पर एक मतलब स्ट्रीट रूलर भी है शेर शाह सूरी। ड्यूरिंग ही शॉर्ट रीजियन, उसका शॉर्ट रीजियन का टाइमिंग में शेर शाह सूरी ब्रॉड अबाउट मेनी सिविल मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, शेर शाह सूरी जो है बहुत सारा चेंजेस लाया था उस टाइमिंग में, जिसमें सिविल चेंजेस है, मिलिट्री चेंजेस है और में एडमिनिस्ट्रेटिव रूल रेगुलेशन में भी चेंजेस लाया था। ही क्रिएटेड ए लार्ज एंड द डिसिप्लिन आर्मी, शेर शाह सूरी जो है वो एक लार्ज आर्मी का कंस्ट्रक्शन किया था और जिसका रूल और रेगुलेशन बहुत ही डिसिप्लिन था। ही ब्रॉट बैक द सिस्टम ऑफ दाग एंड छेरा विच हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द अलाउद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी का जो रूल है दाग और छेरा उसको वो फेवर करता था, उस रूल को मेंटेन किया। ही गॉट रिड ऑफ द स्पेशलाइज्ड बीइंग यूज्ड द इंट्रोड्यूस ऑफ कॉइन गोल्ड सिल्वर एटसेट्रा, बहुत सारे कॉइन का भी वो यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। थैंक यू।